जय हिंद साथियों। साथियों, आज मैं आपको अपने मालई मशरूम फार्म का विजिट कराने जा रहा हूँ। ये फार्म हाउस अभी हमने 3-4 महीने पहले ही इस्टेब्लिश किया है, तो आज केवल एक ओवरव्यू होगा जिसमें हम मालई मशरूम फार्म विजिट करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसीजर मशरूम उत्पादन का, कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, हर स्टेज वाइज मैं वीडियो अपलोड अपने इस चैनल में करूँगा। तो ये हमारा एंट्री गेट है, तो बाकी व्यू मैं आपको अपने बैक कैमरे से दिखा। और ये मालई विलेज है जो कि गैरसैंण ब्लॉक चमोली गढ़वाल में स्थित है। देखिए, ये हमने पुराना लॉक सिस्टम यूज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रोडक्शन रूम जिसे फ्रूट रूम भी कहते हैं। देखिए, और ये हमारा फिलहाल टेम्परेरी पैकिंग के लिए टेबल है। अब हम जानते हैं इनकी स्टेज के बारे में। तो इसमें हम जो प्रोडक्शन है, पहले भूसा भिगाते हैं, फिर उसको डीइंफेक्टेड करके सुखाते हैं और फिर डार्क रूम में लाते हैं। इस मशरूम फार्म के 2 रूम हैं, एक डार्क रूम और एक फ्रूट रूम। तो चलिए डार्क रूम के अंदर चलते हैं। ये हमने इसको डबल कटन कर रखा है, तो देखिए कितना डार्क, कितना अंधेरा है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम डार्क रूम है। और अब मैं इसमें लाइट ऑन करता हूँ। ये है दोस्तों हमारा डार्क रूम, जहाँ पर हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ये टेम्परेचर और हाइड्रोमीटर है, हमने 2 हीटर लगा रखे हैं। और ह्यूमिडिटी के लिए हम यहाँ इस पूरे फर्श को गीला रखते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो हमने अभी नए नए बैग भरे हैं, तो ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद इन बैग्स में इस तरह से माइसेलियम पूरा फैल जाता है, वाइट हो जाता है कंप्लीट। इस तरीके से जब कंप्लीट माइसेलियम फैल जाता है, तो ये देखिए इस बैग में थोड़े से एक हेड से दिखाई दे रहे हैं, जैसे ट्रीज में कोपलें होती है इस तरीके से। फिर ये ट्रांसफ़र हो जाता है ये बैग फ्रूट रूम में। पॉलीथीन लगाने का मकसद है कि इसमें धूल मिट्टी या कोई विजिटर आता है उससे इन्फेक्टेड ना हो, तो ये सेफ्टी के लिए है। देखिए, थोड़ा बहुत हमने यहाँ इसको कवर करने के लिए साड़ी वगैरह का यूज किया हुआ है। कहीं पर ये बोरियाँ हैं, कहीं कपड़े हैं, और इस तरीके से यहाँ का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में है, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत लो रहता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती होता है। जब मैं यहाँ की लाइट ऑफ करता हूँ, यहाँ ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम फ्रूट रूम में चलते हैं। अब जो अंदर की स्टेज मैंने आपको दिखाई थी, उसके बाद देखिए ये स्टेज अब धीरे धीरे बढ़ती हुई। देखिए, ये जो है पिन हेड्स धीरे धीरे बड़े होते चले जा रहे हैं। धीरे उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, ग्रो होती चली जा रही है, और साइज भी डेवलप हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये तकरीबन तैयार होने लग गए हैं। जैसे देखिए, ये हैं, ये सारे हमारे अब पैकिंग के लिए रेडी किए इस तरीके से। ये हमारा मशरूम का पूरा एक ब्रीफ था, शॉर्ट ओवरव्यू था। अब मैं इनकी पार्ट वाइज वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो इसीलिए दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।